चित्र में आपको दिखाती हूँ और उसका आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब जैसे ये जो चित्र है आपके सामने, इसे देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका दृश्य प्रस्तुत कर रहा है? ये चित्र होली का जो है दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें सभी अपने आपसी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। ये चित्र हमें यही बता रहा है ना कि ये मतलब रंग लगा रहे हैं, बच्चे जो हैं अपने खाने पीने का मजा ले रहे हैं, एक दूसरे पे रंग वो भी डाल रहे हैं। तो इस चित्र में जो माता है वो भी कुछ ना कुछ लेके आ रही है, पकवान बना के, है ना, पीने की जो सामान है वो भी लेके आ रही है। तो इस प्रकार से जो होली का जो मतलब दृश्य प्रस्तुत हो रहा है, ये हमें ये भी बताता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें आपसी भेदभावों को भुलाकर एक दूसरे से प्रेम से बात करनी चाहिए। और इस प्रकार से ये जो दृश्य है ये सब कुछ यही प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने चित्र वर्णन, जो कुछ चित्र में बताया गया है वही कुछ चित्र में जो भी बताया गया है वो बताना है हमने। और उसको उसकी वर्ड लिमिट जो है 50-60 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो हमें मतलब 3-4 पंक्तियों में इस चित्र के बारे में बताना है। ये सारा हो गया आपका चित्र वर्णन।